हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। विटामिन ए से भरपूर फल सब्जियां दालें। आज हम बात करेंगे विटामिन ए से भरपूर फल सब्जियां और दालें कौन कौन सी होती हैं। विटामिन ए आंख, त्वचा व शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, एनीमिया, आंखों में लाली, त्वचा संबंधी समस्याएं, ग्रोथ में रुकावट, अन्य कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। विटामिन ए की कमी से बचने के लिए रोजाना की डाइट में वो फूड्स लेना जरूरी होता है जिनमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए को बीटा कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। बीटा कैरोटीन ही शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनता है। तो आइए जानते हैं विटामिन ए से भरपूर फल सब्जियां और दालें कौन सी हैं। कद्दू। कद्दू कई सारे पोषक तत्वों और गुणों से भरपूर होता है। कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिसके सेवन से शरीर को विटामिन ए मिलता है। कद्दू के बीज में भी कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कद्दू को सब्जी, रायते या फिर कद्दू से बनी मिठाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए हरी सब्जियां खाने की सलाह बचपन से ही दी जाती है। कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, पालक, हरी मटर और ब्रोकली में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। लगभग हर हरी सब्जी कैरोटीनॉइड से भरपूर होती है जो शरीर में विटामिन ए प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है। टमाटर। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। टमाटर में लाइकोपीन, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और क्रोमियम नामक तत्व पाया जाता है जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। इसमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है, यह आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। सोयाबीन। शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए या फिर इसकी कमी से बचने के लिए सोयाबीन का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। सोयाबीन से शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए मिलता है, इसीलिए सोयाबीन को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। गाजर। गाजर को विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि एक कटोरी गाजर रोजाना खाने से शरीर में विटामिन ए की अच्छी खासी जरूरत पूरी हो जाती है। गाजर को कच्चा, सलाद, सब्जी में मिलाकर या गाजर का हलवा बनाकर भी खाया जा सकता है। यह हर तरह से उपयोगी है। खुबानी। माना जाता है कि नारंगी रंग के फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नारंगी फलों में खुबानी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसमें पोटेशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही सूखी खुबानी के सेवन से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। हरा धनिया। हरा धनिया न सिर्फ खाने की खुशबू को बढ़ाता है बल्कि ये बहुत ही गुणकारी होता है। हरा धनिया विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसका प्रयोग खाने की सजावट के साथ ही चटनी के रूप में भी किया जाता है। इसके सेवन से विटामिन ए की कमी पूरी की जा सकती है। लाल शिमला मिर्च। रंग बिरंगी फल सब्जियां विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। लाल शिमला मिर्च में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैरोटीनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे शरीर को जरूरी विटामिन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। दूध। दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम के अलावा कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूध विटामिन ए का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है जो हड्डियों के विकास और कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है, इसीलिए रोजाना एक ग्लास दूध स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। शकरकंद। शकरकंद जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, सेहत के लिहाज से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। शकरकंद में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खासतौर पर नारंगी रंग के शकरकंद में इसकी भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर सर्दियों में इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।